Okay, Siren students, once again, I hope all of you are very well. Yes, Siren. Okay, so Janiel, wait, Peta. Who wants to be the monitor for today's class? Who has not Ma'am, got Adib. the chance? Adib, okay, very good, Adib. So you haven't got the chance before it, Peta? No, ma'am. Okay. So we were discussing exercise 2.3. Janiel, switch off your mic, Beta. So Adib is today's monitor. Okay. So first let me take your attendance and then we will start. I can see 22 here. Okay. So 2.3. Tanishka, what had happened, Beta? Yes. Question number 4, we had to start. Am I right? Which is greater? Yes, ma'am. The screen is clearly visible, Beta, to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Yes. So, Adib, read the question. Your screen is not present. Yes, ma'am. Read the question, Beta. Ma'am's screen is not visible. Oh, ma'am's screen is not visible. Okay. Just give me a few seconds, okay? Just wait. Wait. Actually, Adib, be ready. Yes, ma'am. Be ready, Adib. Now let me know. Yes, ma'am. Mera screen share aa raha hai. Sara, you are presenting to everyone. Okay, now yes, ma'am. Watch it. Now Adib, is it visible, Beta? Yes, ma'am. Okay, Adib, now read the question, Beta. Which is greater, first 2/7 of 3/4 or 3/5 of 5/8? Yes, we have to find which one is greater. तो कौन बड़ा है ये देखने के लिए हम डायरेक्टली तो आंसर नहीं दे पाएंगे. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व बोथ द पार्ट. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व 2/7 ऑफ 3/4, देन वी विल सॉल्व 3/5 ऑफ 5/8. आफ्टर सिंपलीफाइंग बोथ ऑफ दिस वी विल चेक द डिनोमिनेटर्स एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कौन सा बड़ा है, दैट वी विल सी. सो लेट्स सी, यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड 2/7 ऑफ 3/4. So 2/7 of means into 3/4. So 2/7 into 3/4, as I told you, we can simplify it first if we can. So देखो 2 और 4 है numerator और denominator में, we have simplified it. So what do we get, children, in numerator? 3 1s is 3 and denominator में 7 2s are 14. So after simplifying 2/7 of 3/4, we are getting here 3 upon 14. Is it clear? यस मैम. ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/14. नाउ वी आर गोइंग टू सिंपलीफाई 3/5 ऑफ 5/8. यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में ऐसे नोट भी करते जाओ. सो 3/5 ऑफ 5/8. सो 3/5 ऑफ मीन्स इनटू 5/8. हियर वी कैन सिंपलीफाई इट. 5/5 कैन बी कैंसिल्ड. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. पे अटेंशन ऑन कर्सर. कर्सर पे ध्यान देंगे आप लोग, है ना? तो 5/5 कैन बी कैंसल्ड. सो व्हाट इज लेफ्ट, बेटा? 3 वन्स इज 3 इन न्यूमरेटर एंड 8 वन्स इज 8 इन डिनोमिनेटर. सो हियर वी हैव गॉट 3 अपॉन 8. सो 3/5 ऑफ 5/8 इज 3 अपॉन 8. अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. सो टू फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ देयर न्यूमरेटर्स आर सेम और देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम. ये दोनों में से कोई एक अगर सेम होता है तो हम उनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, राइट? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखा था ना कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डिड, है ना? किया था? यस मैम. आई थिंक इट वाज इन 2.5. तो यहाँ पर देखो बेटा, इन दोनों को सिंपलीफाई किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आई 3/14 एंड 3/8. दिस वी हैव गॉट. Now directly we can compare here because both are having the same numerator 3.
तो अब कोई भी थ्री ऑब्जेक्ट से उसके थ्री के एट पार्ट करें, थ्री बाय एट मीन्स थ्री इज डिवाइडेड इंटू एट पार्ट, और थ्री बाय फोर्टीन मीन्स थ्री इज डिवाइडेड इंटू फोर्टीन पार्ट। समझो तुम्हारे पास थ्री चॉकलेट्स है, उन थ्री चॉकलेट्स को तुम्हें 14 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो सबके पास छोटा शेयर जाएगा कि थ्री चॉकलेट्स को 8 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे तो छोटा शेयर किसमें, छोटा या बड़ा शेयर किसमें जाएगा बताओ? रितु मैम 3/8 में छोटा शेयर जाएगा। थ्री चॉकलेट्स तुम्हें 8 अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ज्यादा तब मिलेगी कि थ्री चॉकलेट्स को अपने 14 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब मिलेगी, किसमें कम मिलेगा? लिसन द क्वेश्चन, मैम 3/14 में। हाँ 3/14 में कम मिलेगा ना, 3/14। हाँ यस, सो 3/14 इज स्मॉलर है ना, since 3/14 and 3/8 both are having the same numerator 3, तो हम denominator को compare करेंगे, तो जिसका denominator बड़ा होता है बेटा वो number छोटा होता है। simply तुम सोच सकते हो अगर तुम्हारे पास में 3 chocolates है और तुम्हें उनको अपने 14 friends में distribute करनी है, और वही 3 chocolates तुम्हें 8 friends में distribute करनी है, तो कम बच्चों में बांटोगे तो ज्यादा शेयर आएगा ना, so 3/8 means क्या, 3 के 8 part, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, सो 3/8 इज ग्रेटर। ये साइन ध्यान रखना, जिधर मुंह खुला होता है सीजर का टू एंड्स वो बड़े होते हैं, यू कैन सी हियर टू एंड उधर ग्रेटर देन होता है। हाँ, और एक तरफ वन एंड है, तो टू बड़ा के वन, टू बड़ा तो जिधर टू एंड्स होंगे वो नंबर भी बड़ा होगा, सो हियर 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। अब 3/8 किसको सिंपलीफाई करने पे मिला था बेटा हमको, 3/8 हमको कर्सर पे ध्यान दो, 3/8 हमको मिला था 3/5 और 5/8 इसको सिंपलीफाई करने पे हमको मिला था, तो यू विल राइट 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 और 3/4, सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट राइट इट इन प्रॉपर वे एज इट इज रिटन हियर, राइट इट फास्ट। Today we will try to complete this exercise. Do it fast. Ma'am, Ritu was saying that your voice is not clear. Okay, someone's mic must be on. Switch off your mics, then my voice will be clear. I hope you must have done it. Screen is clearly visible again? Yes, ma'am. Okay. All of you have done it? Yes, ma'am. Okay. So now yes, see ma'am. The second part. You will do it by your own. अभी सिर्फ मैं इसको simply explain कर दे रही हूँ, अभी आप लिखोगे नहीं, बाद में आप इसको copy में करना। So 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7. तो पहले हम इसको simplify करेंगे। तो 1/2 of means into 6/7. तो यहाँ पे 2 और 6 simplify हो सकते हैं। So 2 से 6 को simplify किया तो ऊपर numerator में आ जाएगा 3 और denominator में आ जाएगा 7. So here we have got 3/7 after this one. Now we will simplify 2/3 of 3/7. So when you simplify it, you are getting 3 into 3/7. 3 can be cancelled. Pay your attention on cursor. Cursor must be visible. Cursor दिख रहा है अदीप चलते हुए? Yes, ma'am. Okay. So 3 can be cancelled. So what is left? 2/7. So here these two fractions we have got 3/7 and 2/7. So here you can observe it carefully. That both are having the same denominator. दोनों के denominators क्या है? Same है. तो अब 2 के 7 part करें हम और 3 के 7 part करें. तो कौन बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? ध्यान से बताओ. 2 के 7 part करोगे और 3 के 7 part. 2/7 बड़ा कौन? 3/7 बड़ा होगा. 3 chocolates के 7 part किए और 2 chocolates के 7 part. मैम 3/7
यस, 3/7 इज द राइट आंसर. तो 3/7 अगर ग्रेटर है तो 3/7 हमको क्या सिंपलीफाई करने पे मिला था, 1/2 ऑफ 6/7 को. 1/2 ऑफ 6/7 मन में नहीं आया, 3 वाला होगा मैम. देखो यार ध्यान से देखो, सिंपली इसका फ्रैक्शन का मीनिंग समझो पहले. 3/7 मतलब 3 के 7 पार्ट्स. अभी बीच में अब नहीं बोलना, पहले ध्यान से सुनो. 3/7 मींस 3 के 7 पार्ट और 2/7 मींस 2 के 7 पार्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 3 चॉकलेट्स हैं एक ही साइज की, तो उन 3 के 7 पार्ट्स करोगे, जैसे तुम 7 फ्रेंड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें ज्यादा शेयर मिलेगा, कि 2 चॉकलेट्स के 7 पार्ट्स करोगे तब ज्यादा शेयर मिलेगा. 3 में ज्यादा शेयर मिलेगा. हां 3 चॉकलेट्स के 7 पार्ट करोगे तब ज्यादा शेयर मिलेगा ना. तो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. सिंपली ये ध्यान रखना बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है. और अगर न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे था, ये न्यूमरेटर यहाँ पे सेम था, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड पे अटेंशन ऑन द कर्सर. यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम था, तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है. 3/8 मीन्स 3 के 8 पार्ट्स और 3/14 मीन्स 3 के 14 पार्ट्स, समझे. और यहाँ पर क्या है, 3/7 मतलब 3 के 7 पार्ट और 2/7 मतलब 2 के 7 पार्ट. तो 3 चॉकलेट्स के 7 शेयर करोगे तो ज्यादा एक एक को शेयर आएगा, कि 2 चॉकलेट्स के 7 पार्ट करोगे तो ज्यादा शेयर आएगा. मैम 3 चॉकलेट्स के 7 पार्ट्स में ज्यादा शेयर आएगा. यस, सो व्हिच इज ग्रेटर, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. 3/7 किसके साथ में, किसके लिए आया था, किसको सिंपलीफाई करके आया था, 1/2 ऑफ 6/7. So here 1/2 of 6/7 is greater than 2/3 of 3/7. So this is the answer. In this way you should write it. If you want to write, just write it in 1 minute. I told you that you should do it by your own, but no problem. Likh lo fatafat. Ma'am, Sanu was saying that voice is not clear. ओके सानू बेटा, तुम्हारे पास नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा. मेरी साइड से अभी नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं है. अदर्स आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? यस मैम. यस यस मैम. ओके बेटा, सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट यू शुड फाइंड आउट द प्लेस एट योर होम वेयर यू आर गेटिंग द मैक्सिमम नेटवर्क, है ना. अपने घर में ऐसी कोई जगह ढूंढना पड़ेगी आपको जहाँ मैक्सिमम नेटवर्क आता हो. और कई बार क्या होता है, वहां पर भी नेटवर्क फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, सिग्नल्स कई बार कम ज्यादा होने से हमको कई बार प्रॉब्लम आती है, है ना. सो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट एंड जस्ट चेक इट. थोड़ा पेशेंस रखा करो, देखा करो. जैसे ही नेटवर्क तुम्हारे यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा तुम्हें अपने आप आवाज क्लियर आएगी. मेरी आवाज क्लियर ना आना या किसी भी टीचर की आवाज क्लियर ना आना या वीडियो में, तो वो प्रॉब्लम 1-2-3 वजह से ही हो सकती है. द फर्स्ट वन इज, या तो मेरे पार्ट पे कुछ नेटवर्क इशू हो, या फिर अगर मेरी आवाज तब क्लियर नहीं आएगी जब तुम में से किसी का भी माइक ओपन हो, तब भी आवाज क्लियर नहीं आएगी, है ना. और तुम जहाँ पर हो वहां पर नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए. इन 2-3 कारणों से ही प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज देयर इज नो इशू एट ऑल. Okay, so now we are moving ahead. Let's solve the next question. Question number 5. Yes, read it, beta. Ma'am, may I read? Can I read? Ritu, you should read. Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find in distance between the first and the last sapling. Yes. Now switch off your mic. Okay. बेटा ये रितु का ही माइक ऑफ ऑन था, वहीं से गाड़ियों की आवाज आ रही थी क्या. ओके नाउ इट स्टॉप. Yes, listen children, what is the meaning of question? Sally jo hai, she wants to plant 4 saplings. Hai na, 4 plants laga rahi hai, to let's name it like S1, S2, S3 or S4 in a row.
ये चारों सैपलिंग वो कहाँ लगा रही है, एक रो में लगा रही है, राइट। नाउ इट्स रेनी सीजन, रेनी सीजन इज स्टार्टेड ऑलरेडी, तो रेनी सीजन में हम लोग भी ट्री प्लांटिंग करते हैं ना, करना चाहिए। तो ऐसे ही साइली भी क्या कर रही है, फोर सैपलिंग्स उसको लगानी है, फोर छोटे छोटे प्लांट्स उसको लगाना है एक ही लाइन में, राइट। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा, जैसे एस वन एस टू क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, एस टू एस थ्री एडजेसेंट हो गए, एस थ्री एस फोर एडजेसेंट हो गए ना, जस्ट उसके बाद में। तो ये दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3/4 meter डिस्टेंस है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट और लास्ट, एडजेसेंट के बीच में नहीं निकालना है, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में, मतलब फोर सैपलिंग है, उनको हमने नाम क्या दे दिया, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर। यू शुड ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक, ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो तो तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा, ये फर्स्ट प्लांट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। सो एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, ये हमने इनको नाम दे दिया, और हर टू एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3/4 meter। ओके, तो पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे इनके बीच में। तो S1 और S4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन तीनों डिस्टेंस को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो as the distance is same and it is coming three times, तो you can do it in this way also, या तो तीनों को अलग अलग लिख के ऐड करो, या you can write like this also 3 into 3/4, in that way also you can write. Is it clear what is asked to you? It is yes, ma'am. To find the distance फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, हाँ मतलब एस वन और एस फोर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एस वन से एस फोर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एस वन एस टू प्लस एस टू एस थ्री प्लस एस थ्री एस फोर, मतलब ये 3/4 + 3/4 + 3/4। जो कर्सर पे बराबर ध्यान देगा उसको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। So what is the total distance in between first and last sapling? That is the distance between S1 and S4. 3/4 meter. 3/4 + 3/4 + 3/4. And children, as this is the word problem, you should write each and everything in proper way as it is written here. You can see. 9/4 meter. Ha, number of saplings 4. Distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. So distance between the first and the last sapling is like 3/4 + 3/4 + 3/4, and write the proper unit also. After adding it, you have got 9/4. Now convert it into mixed fraction. 9/4 further it can be simplified. तो इसको mixed fraction में change करना है, तो you will divide 9/4. इसको जल्दी से अपनी notebook में note करो, ये पूरा properly लिख के। 1 minute I am giving to you. Note down it. Is it done? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let's see the next question. Yes. Now, Rishika, you should read the question. Rishika, are you there? Ma'am, may I read? Who? Janil? Yes, who have asked? Janil? Yes, ma'am. Okay, what's the problem with Rishika? Isn't she there in the meeting? Ma'am, Rishika then has left. Okay. Ma'am, okay, Janil, you can continue. She is here. Lipika reads a book, 1/4 meter. She reads
reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? Yes. Now, first we will find what information is given in the question. जब भी हमको word problem solve करनी है बेटा, तो word problem में एक-एक statement में पहले ध्यान पढ़ेंगे हम, उसपे ध्यान देंगे. और according to that we will write it. See, Lipika reads a book for 1 whole 3/4 hours every day. मतलब हर एक दिन में वो 1:3/4 hours read करती है. Okay. तो अब क्या है आगे, she reads the entire book in 6 days. One book she is reading and every day she is reading for 1 whole 3/4 hours and she is completing this book in 6 days, है ना? तो 6 days में, so how many hours in all were required by her to read the book? So total how many hours she read the book? जैसे for example तुम दिन में 2 घंटे maths पढ़ते हो, I hope so, okay? For example, you study maths every day 2 hours and to complete one chapter you take 6 days. So total how many hours for you have given for maths for the 6 days? Question समझ में आया? 12 hours. Yes, very good. 12 hours is the right answer. है ना, जैसे तुम हर दिन 2 hours देते हो मैथ्स के लिए और कोई एक चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करने में 6 days लगते हैं, तो टोटल 6 days में तुमने कितने hours मैथ्स पढ़ा? It's so simple, 6 into 2 you did ना, 6 2s are 12. Yes, so the same concept is applicable here also बेटा in this question. वही तो question है ये भी. यहाँ पे सिर्फ 2 hours की जगह क्या हो गया है, 1 whole 3/4 hours. तो in the same way you will solve it. So as it is the word problem, write it in proper way. In one day, Lipika needs 1 whole 3/4 hours. लिखो इसको, या needs नहीं, reads लिख लेना. So in 6 days, Lipika will need 6 into 1 whole 3/4 hours. So, जैसे तुमने 6 into 2 करके 12 निकाला था, वैसे ही यहाँ पे 6 into 1 whole 3/4 करके निकालेंगे. तो 6 तो as it is 1 whole 3/4 को solve करोगे, तो you will get 7/4. So here 6 into 7/4. When you will solve it, you will get 21/2 hours. अब 21/2 को divide करके mixed fraction में convert करेंगे, तो you will get 10 whole 1/2 hours. Yes, so 10.5 hours she requires, है ना? So hence the required hours is equals to 10.5 hours. यहाँ पे hours लिख लेना. Is that clear? Have you done it in your notebook? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Do it fast, Anil. Okay. Just for few minutes also, मैं भी दे रही हूँ कुछ मिनट. अनिल जल्दी लिखो. अनिल बेटा तुम्हें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. स्क्रीनशॉट. Yes, you can take screenshot also, those who are slow in writing. Yes, now we are starting. Okay, very good. Now we are starting the next question. So for reading the next question, Raghav Tiwari, read this question beta. Raghav, are you there? Raghav, are you there? May I read? Anil, is he there? Yes, ma'am. Ma'am, Raghav Tiwari. Okay, beta. Yes, Raghav, read the question. Ma'am, may I read? Nahin. राघव तिवारी को क्या प्रॉब्लम है बोलो, व्हाई ही इज नॉट रीडिंग? मैम ही इज म्यूटेड हिज माइक. मैम वो फोन को रख के कहीं पर चला गया. हाँ, आई आल्सो थिंक सो. बेटा ये देखो, मैं किसी से को भी कभी भी चेक कर सकती हूँ, भले ही तुम मुझे यहाँ से दिख नहीं रहे हो. एंड व्हेन वी प्रेजेंट आवर स्क्रीन वी कैन नॉट सी यू इवन ऑनलाइन, लेकिन हम तुम्हें कैसे भी चेक कर सकते हैं.
अब मैं किसी का भी नाम लेके इसीलिए बुक रीड करने को या क्वेश्चन रीड करने को या कुछ सॉल्यूशन इसीलिए नाम लेके पूछती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए एट रेंडम में कोई भी तो तुम वहां पर हो और हो तो अलर्ट हो या नहीं हो राइट. राघव शर्मा यू शुड रीड. राघव शर्मा इज देयर इन द मीटिंग. No, ma'am. Raghav Sharma is not there. Ma'am, Harsh. Ma'am, may I read? Ma'am, Raghav Sharma is not there. Ma'am, Harsh. Raghav Sharma is there. Beta, wait. Pehle mere question ka answer do. Raghav Sharma is there in the meeting or not? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, Raghav Sharma. No, ma'am. Okay, okay. Renu, can you read it? A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3x4 liters of petrol? Before starting this question, ये बेटा मैंने जिसको check किया और जो फिर ऐसे गड़बड़ करेगा class में उसकी attendance नहीं जाएगी. ये ध्यान रखना, है ना? Because we send this file, अगर तुम्हें लगता है कि automatic attendance चली जाती है, तो it's not like that. We download your attendance and then we send. तो वहाँ पर हम अपना note भी लिख के भेज सकते हैं. Classes का online attendance का भी हम लोग का एक WhatsApp group है. उसपे हम daily हर class के बाद attendance भेजते हैं. So you people have to be very sincere. हम चाहे online रहे या offline रहे, हमारा watch तुम लोगों पे पूरा होता है. है ना, एट रेंडम में किसी को भी चेक कर सकती हूँ. तुम बच्चे तो मुझसे सिक्स्थ में पढ़े हो, यू पीपल आर नोइंग कि मैं अपनी क्लास में तो कुछ सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान हटता नहीं था किसी भी बच्चे से, है ना? इजंट इट सही है या नहीं? यस मैम. है ना? यस मैम. तुमने पढ़नी की कभी तो बेटा ऐसे में ऑनलाइन में तुमको कभी भी चेक कर सकती हूँ. भले ही मैं यहाँ पर अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो तुम लोग को नहीं देख पा रही हूँ, इसीलिए मॉनिटर हम बनाते हैं और मॉनिटर का भी काम है ये देखना. और साथ ही साथ मैं एट रेंडम किसी को भी चेक कर सकती हूँ किसी का भी नाम लेकर के, तो पता चल जाता है, सारी पोल खुल जाती है कि कौन सिर्फ क्लास सिंसियरली अटेंड कर रहा है और कौन ऐसे ही अपनी अटेंडेंस लगवा के जा रहा है. तो बी वेरी अलर्ट इन माई क्लास. ओके, हाँ. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. Okay, 1 liter of petrol में कार कितना चल पा रही है? 16 kilometer चल पा रही है. Okay, how much distance will it cover using 2 3x4 liters of petrol? अच्छा, अब simply हम ये देखते हैं, पहले इस mixed fraction को ना देखते हुए, if I ask to you कि a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol, 1 liter of petrol में कार चल रही है 16 kilometer. So, 2 liters of petrol में कितने किलोमीटर्स चलेगी बेटा? मैम 32 किलोमीटर. How did you get this answer? 16 into by multiplying. Exactly, exactly. बस तुम्हें concept ही समझ में आना चाहिए. Very good. You have got it कि you have to multiply. So for 2 liters you multiply. तो सिमिलरली फॉर 2 होल 3x4 लीटर के लिए भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. किससे किसको? फर्स्ट वी सॉल्व द 2 होल 3x4 लीटर. ये 16. तो एज इट इज वर्ड प्रॉब्लम 32. ओके, राइट इट प्रॉपरली, अपनी नोटबुक में लिखो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. बिकॉज बेटा व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन मस्ट बी रिटन इन प्रॉपर वे. ये सेंटेंसेस लिखना है तुम्हें. Write it in 1 liter of petrol. The car covers 16 kilometer distance. Okay. So full stop. In 2 whole 3x4 liters of petrol, the car will cover 2 3x4 into 16 kilometer distance. So now solve it. So this is equals to 2 whole 3x4 into 16. पहले इसको simplify करेंगे तो 2 4s are 8 plus 3, that is 11. 11 upon 4 into 16. अब 11 upon 4 into 16 है तो 4 से 16 यही सिंपलीफाई हो सकता है बेटा. तो 4 1 से 4, 4 4 जार 16, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 11 into 4, that is 44 किलोमीटर. Yes, 44 किलोमीटर. 44 किलोमीटर. Yes, so answer is 44 किलोमीटर. So at last in one sentence you should write the answer, hence the required
distance is 44 kilometer. It means in 2 whole 3/4 liters of petrol, car will run 44 kilometers. Okay? Is that clear? Have you written it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now, 8th question I am leaving it for you. So I think then this question, this exercise will be completed. अब इसमें एक पार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस इज फिल इन द ब्लैंक. सो 2/3 इनटू व्हाट शुड कम हियर सो दैट वी कैन गेट. यस मैम. यस मैम. तो 2 यहाँ पे डिवाइड करके देख लो. सो 2 5s आर 10 तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 और 3 10s आर 30 सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10. सो हियर इन दिस बॉक्स यू विल गेट 5/10. So 2/3 into 5/10 is equals to 10/30. So what is the required number in the box? That is 5/10. Soil Maya? Soil Maya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in this way you should write. Okay. अब B और उसका फिर simplest form पूछा है A के second part में. तो simplest form क्या होगा 5/10 का? 5 1s is 5, 5 2s are 10. So simplest form is 1/2. So now see the B part. B 3/4 into dash is equals to 24/75. So 3 में किसका multiply करेंगे 24 आएगा? Numerator में देखो. Yes ma'am. And 8. तो सिर्फ 3 8s are 24. 8. और 5 में किसका multiply करें तो ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो you should divide 75/5. तो 75 को 5 से 1/2. तो 15. 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा डिनोमिनेटर में. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 8/15. कर्सर पे प्रॉपर ध्यान दो. सो द 8/15. तो अब क्या हो गया ये नंबर 3 8s are 24 and 5 15s are 75. सो अवर रिक्वायर्ड नंबर इज 8/15 है ना. अच्छा हाँ 8/15 यहाँ पे ये गलत लिखा है इज 24/75 ये नहीं आएगा. द रिक्वायर्ड नंबर इज क्योंकि बॉक्स यहाँ पर दिया है ना. बॉक्स कहाँ दिया है 3/5 इंटू में बॉक्स है ना. अदीप. यस मैम. हाँ सो इफ बॉक्स इज हियर सो योर आंसर इज 8/15 ठीक है. ओके और फिर उसका अगर यहाँ पे बॉक्स होता तो नंबर होता 24/75 और इसका simplest form फिर इसमें we could find it out. Okay. So here in this way I think this exercise is completed, isn't it? Now I am completed. Now I am coming. I'm completed. Yes. I am coming back to you people. Yes, children. So I hope you must have got all of these questions. It was our exercise 2.3. It is completed now. Next class, we will start the new exercise. 2.4. So till then, you should revise it. Whatever you have studied up to 2.3. मैं जैसे ही कभी भी बीच में आप लोग का कोई surprise test भी ले सकती हूँ. तो chapter 1, chapter 2. इसका रिवीजन आप करते रहना. ओके इज दैट क्लियर सबको. यस मैम. यस मैम. हाँ अप टू दिस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड आस्क. ओके. नो मैम. हाँ नो मैम. ओके सो टुडेज क्लास इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर सो आई एम नॉट स्टार्टिंग द न्यू एक्सरसाइज है ना. देन we will meet in the next class and then we start the new exercise. Baki jo bhi iske examples hain in your homework you should solve it. Okay jo bhi examples rehte hain beta wo bhi aapko homework mein solve karna hai. Okay so that's all for today from my side. If you wish to ask anything you can ask. Kisi ko kuch puchna hai to aap puch sakte ho. And without permission you should not leave the meeting. Raghav is there now. Raghav Tiwari, unmute yourself and talk to me beta. Where were you when I have asked? Yes, ma'am. Question. आप कहाँ थे तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था? हम मीटिंग में. तो आपने रिप्लाई नहीं किया. You didn't read the question. I told you to read the question.
क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ उसके बाद मैं बेटा चेक करती हूँ एट रैंडम, मैं किसी को भी चेक कर सकती हूँ कि यू आर अटेंडिंग द क्लास सिंसियरली और नॉट. यू ऑल मस्ट बी वेरी अवेयर अलर्ट इन माय क्लास, यू हैव टू अटेंड इट सिंसियरली. ओके ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी. साई राम. साई राम मैम. मैम आपकी पिछली क्लास में मैम आपके जाने के पास